पालघर लोकल क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों रुपए का गुटखा बरामद, दो गिरफ्तार। पालघर जिले के लोकल क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा पिछले कई दिनों से जिले में एक अच्छा कार्य करती दिखाई दे रही है। अवैध कारोबार पर छापा मारकर उन पर कार्रवाई करती दिख रही है। इसी कड़ी में पालघर की बसे यूनिट के लोकल क्राइम ब्रांच द्वारा करोड़ों रुपए के गुटखा का जखीरा बरामद करने में एक बड़ी सफलता पाई है। ज्ञात हो कि महाराष्ट्र में अवैध गुटखा पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है, इसके बावजूद जिले में धड़ल्ले से अवैध गुटखा का सप्लाई होती दिखाई दे रही है। गुटखा माफियाओं ने बड़े आतंक को देखते हुए स्थानीय लोकल क्राइम ब्रांच की पैनी नज़र लगाकर रखी है। इसी बीच क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अन्य गुटखा माफियाओं के खेमे से खलबली मचा दी है। अहमदाबाद महामार्ग क्रमांक 8 खानेवड़े टोलनाका स्थित वाहन में लदकर भारी मात्रा में अवैध गुटखा आने वाला है, ये जानकारी वसई यूनिट को मिली। सूचना के आधार पर वसई यूनिट की टीम उक्त स्थान पर जाल बिछाकर वाहन को धर दबोचा। पुलिस ने वाहन की जांच पड़ताल की तो वाहन में बड़े पैमाने पर अवैध गुटखा का जखीरा पाया गया। पुलिस ने बताया कि ट्रक क्रमांक MH04CP4642 ने से 74 गोनी और 152 बॉक्स आयसर टेम्पो क्रमांक MH04CP5772 में विमल गुटखा 159 गोनी बरामद किया है। बरामद माल की कुल कीमत 1,05,00,000 बताई जा रही है। पुलिस ने उक्त मामले में दोनों वाहनों के चालकों को गिरफ्तार किया है। आगे की कार्रवाई अन्य औषध प्रशासनिक विभाग द्वारा की जा रही है। यह गया है और कितने कल रात को हमारी लोकल क्राइम ब्रांच की टीम अहमदाबाद हाईवे पे पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी संदिग्ध रूप से जाते वक्त दो ट्रक मिले। उस ट्रक को ताबे में लेके उसका छानबीन किया तो उन्होंने विमल गुटखा नाम की जो महाराष्ट्र में वो उनके बैन है उनके ऊपर वो माल मिला, तो वो माल हम लोगों ने ताबे में ले लिया और फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट को उसके बारे में आगे की कार्रवाई करने के लिए लेटर भेज दिया है। वो थोड़ी देर में आ जाएंगे आगे की कार्रवाई करने के लिए। सर टोटल कितने का माल था और कहाँ से आ रहा था, कहाँ से सप्लाई होने वाला था, कुछ पता चला? ये गुजरात से माल आया हुआ है, बॉम्बे की तरफ जा रहा था। इसमें टोटली 1,05,00,000 रुपए का माल मिला है। सर इसमें अभी तक कितने लोग अरेस्ट हुए हैं? इसमें अरेस्ट नहीं हुए हैं, आगे की कार्रवाई के लिए 2 जनों को ताबे में लिया है और इसके आगे की कार्रवाई फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट कर रहे हैं। तरफ जा रहा था तभी हम लोग बिरार फाटा पे बिरार टोल नाका जो है वहाँ पे उनको ताबे में लिया है।